हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा या फिर बहुत सारे लोगों को ये टेंशन रहता है कि भाई मेरा स्मार्टफोन कोई भी ले लेता है, कुछ भी खोलने लग जाता है। या फिर बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हमारा दोस्त हमसे हमारा स्मार्टफोन मांगता है तो हमें किसी भी स्थिति में देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई तू मेरे पर विश्वास नहीं करता, नहीं ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा बात आ जाता है। तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे ऐसी प्राइवेट चीज है जिसे मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि काश ऐसे कोई प्राइवेसी होता या फिर कुछ ऐसा तरीका होता जिससे मैं अपने कुछ चीजों को लॉक लगा सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने गैलरी को लॉक लगा सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट को लॉक लगा सकते हो या फिर जो चीज को चाहो आप लॉक लगा कर रख सकते हो और आपके परमिशन के बगैर उसे कोई भी नहीं खोल पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में आपके लिए हमेशा लेके आते रहते हैं। तो चले चलते सीधा मोबाइल को हम स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल को हम स्क्रीन पे। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपने गैलरी में या फिर गूगल में या फिर व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में किस तरह से लॉक लगाना है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐप लॉक सर्च मारना है। ऐप लॉक जैसे आप सर्च मारोगे सबसे फर्स्ट में देख सकते हो ऐप लॉक का ऑप्शन आ गया, जिसे मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। देख सकते हो ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मेरा प्ले यहाँ पर देख सकते हो मेरा ऐप लॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। एक बार जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारा जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो गया, जिसमें फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें आपको कुछ भी सेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये अलाउ मांगेगा, परमिशन मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपका जो सेटिंग बार ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको इसे ऐप लॉक दिख रहा है ऊपर में, इसे आपको एक्सेस दे देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है, ठीक है। मैं इस तरह से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यह हमारा अलाउ हो गया। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन जो है वो पासवर्ड मांगेगा, यानी कि यहीं पे आपको वो पासवर्ड डालना है जिस पासवर्ड को आप अपने ऐप लॉक में लगा के रखना चाहते हो। तो अगर आप पासवर्ड नहीं रखना चाहते और पैटर्न रखना चाहते हो तो यहाँ पे स्विच टू पैटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो स्विच टू पैटर्न का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीका का अप्लाई करके इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं पैटर्न में चेंज हो जाऊँगा। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अगर आप पैटर्न नहीं लगाना चाहते हो, खुद पिन ही लगाना चाहते हो, तो स्विच टू पिन कोड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा, तो आप अपने अनुसार से दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद फिर से मुझे पासवर्ड डालना है तो 1 2 3 4 मैं फिर से पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद फिर से एक बार मुझे पासवर्ड डालना है तो 1 2 3 4 मैं फिर से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अलाउ मांग रहा है तो हमें अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे हमारे स्मार्टफोन में जितने भी ऐप्स रहेगा या फिर जो भी कुछ रहेगा सब चीज़ यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो मुझे जिस जिस को लॉक लगाना है उसे मैं ढूंढ लेता। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यूट्यूब के लॉक लगाना चाहता हूँ तो यूट्यूब के ऊपर मैं यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी तो मेरा पूरा का पूरा लॉक लग गया, देख सकते हो कुछ कुछ प्राइमरी चीज़ पे पूरा लॉक लग गया। जैसे कि जो ताला का आइकन दिखाई दे रहा है वो हाईलाइट दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइट दिख रहा है। एग्जांपल के मैं अब दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो जो जीमेल के नीचे ट्रांसलेट का ऑप्शन है, ब्राउज़र है, यहाँ पे यूट्यूब म्यूज़िक है, ये हाईलाइट नहीं है, यानी कि अनलॉक दिख रहा है, ताला खुला हुआ दिख रहा है, मतलब अनलॉक है ये। और मेरा जितना भी यहाँ पे जो इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चीज़ अनलॉक है, तो इसे मुझे लॉक करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो इंस्टाग्राम लॉक हो गया। उसके साथ ही साथ अगर ये एल्बम मेरा दिखाई दे रहा है तो इसको मुझे लॉक करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लॉक हो गया। उसके बाद जो भी चीज़ को आपको लॉक लगाना है, जैसे कि ये मेरा फाइल हो गया, फाइल मैनेजर, इसे भी लॉक लगाना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो लॉक हो गया। अब ये लॉक हुआ है यही नहीं, हमें कैसे देखना है, तो उसके लिए मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब मेरा यहाँ पे देख सकते हो, यूट्यूब मेरा दिखा रहा है, तो यूट्यूब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यूट्यूब के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ देख सकते हो हमें ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर अब मैं इसके ऊपर वो पासवर्ड डालूंगा तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो चलिए 1 2 3 4 मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। 1 2 3 4 पासवर्ड मैं जैसे ही डाला हमारे यूट्यूब ओपन हो गया। उसी तरह से मैं अगर अपना यहाँ पे देख सकते हो सेंटर पे मेरा क्या दिख रहा है, गैलरी दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मेरे से फिर से पासवर्ड मांग रहा है, देख सकते हो। तो 1 2 3 4 मैं पासवर्ड डालूंगा तभी मेरा गैलरी ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी फाइल को लॉक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के किसी भी जगह को लॉक लगा सकते हो, चाहे वो गैलरी हो, चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट हो, जो चीज़ को आप लॉक लगाना चाहते हो लॉक लगा सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेजबल होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।